एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। सो गाइस, आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप आपके अंडर आर्म्स की केयर कर सकते हो और किस तरीके से अगर आपके अंडर आर्म्स डार्क हो चुके हैं तो काले हो चुके हैं तो उसको आप कैसे व्हाइट कर सकते हो, यानी कि कैसे उसकी काली परत जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हो, ये आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और गाइस, मुझे काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी प्लीज हमें इसके ऊपर अंडर आर्म्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो हमारे साथ शेयर करो कि किस तरीके से आप आपके अंडर आर्म्स को अच्छे से क्लीन रखते हो। तो गाइस, फाइनली मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे क्लिक करो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके यूट्यूब पेज पे आए। वीडियो पसंद होती है तो लाइक जरूर करना। सो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अंडर आर्म्स डार्क होने के कई सारे रीजन है, जैसे कि अगर आप आपके अंडर आर्म्स के हेयर्स जल्दी रिमूव नहीं करते हो, देन उसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा अंडर आर्म्स में बहुत ही ज्यादा स्वेट आता है उसकी वजह से भी आपके अंडर आर्म्स डार्क होते हैं। थर्ड रीजन ये कि अगर आप वहाँ पे पर्सनली परफ्यूम छिड़कते हो तो उसके वजह से भी आपके अंडर आर्म्स डार्क होते हैं, क्योंकि आपके अंडर आर्म्स एक सेंसिटिव जगह है और परफ्यूम में कई सारे केमिकल्स होते हैं, पूरी तरीके से केमिकल्स ही होते हैं और वो आपके अंडर आर्म्स पे आप छिड़कते हो तो आप सोचो आप आपके अंडर आर्म्स को कितना ज्यादा हर्ट कर रहे हो। तो आपको परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपके अंडर आर्म्स में। और कि आप आपके अंडर आर्म्स में अलग अलग तरीके के रोल ऑन यूज करते हो, शेविंग करने के बाद वहाँ पे इचिंगनेस होती है बहुत ज्यादा, वहाँ पे इरिटेटेड होने की वजह से भी आपके अंडर आर्म्स जो है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। टाइट क्लोथ पहनने से भी आपके अंडर आर्म्स जो है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत से लड़कियां अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि उन्हें स्लीवलेस पहनना होता है, शॉर्ट कपड़े पहनने होते हैं, पर उनके अंडर आर्म्स इतने ज्यादा डार्क होते हैं कि बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है कि वो एक स्लीवलेस ड्रेस पहन सके। आज मैं एक स्लीवलेस टॉप पहनने वाले लड़कियों में से हूँ, तो ना मुझे अपने अंडर आर्म्स के काफी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके अंडर आर्म्स डार्क होना स्टार्ट हो चुके हैं तो आप अभी से ही ध्यान दो, नहीं तो आगे जाके आपकी स्किन वहां की और भी ज्यादा डार्क हो जाएगी और उस डार्कनेस को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस, ना मैं क्या करती हूँ कि कभी कभी ना होम रेमेडीज भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, तो मैं होम रेमेडीज में क्या करती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं लेती हूँ 2 टेबल स्पून बेसन, उसके अंदर ऐड करती हूँ 1 टेबल स्पून कॉफी, 1/2 टेबल स्पून में उसके अंदर ऐड करती हूँ टर्मरिक, एंड देन उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ 1/2 लेमन। मुझे लेमन सूट होता है मेरे अंडर आर्म्स की स्किन को, इसलिए मैं यूज करती हूँ, पर बहुत से लोगों को अंडर आर्म्स में क्या पूरे बॉडी पे ही लेमन जो है वो यूज नहीं कर सकते, उनको एलर्जीज होती है, तो आप लेमन की जगह नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हो। और इन सब चीजों को आपको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद आप आपके अंडर आर्म्स पे अच्छे से लगा लो, एंड देन आप उसे अच्छे से स्क्रब करो, एकदम अच्छे से 5-6 मिनट तो आप उसे अच्छे से रब करो, एंड देन उसे ना आप एक 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो एंड नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो। आपको इसे ट्वाइस अ वीक करते जाना है, आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। तो मुझे इसे काफी ज्यादा रिजल्ट तो देखने मिला तो है, पर एक सच्ची बात बताती हूँ कि होम रेमेडीज जो होती है ना वो काम तो करती है पर उन्हें वर्क करने के लिए बहुत ही ज्यादा लेंथी टाइम जो है वो लगता है, ये रियलिटी है। गाइस, मैं ना अपने लिए एक बाहर का प्रोडक्ट भी यूज करती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, तो वो मैं यूज करती हूँ। और काफी सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी है जिन लोगों को प्रोडक्ट चाहिए होता है क्योंकि उनको घर में रेमेडीज बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, वक्त बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें एक बना बनाया हुआ अच्छा खासा एक प्रोडक्ट चाहिए होता है जो एकदम केमिकल फ्री हो। आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ जिससे मैं अपने अंडर आर्म्स को व्हाइट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो गाइस, मैं यूज करती हूँ यहाँ पे नमया नेचुरल स्किन केयर का अंडर आर्म कलर करेक्शन मास्क एंड नमया नेचुरल स्किन केयर का अंडर आर्म व्हाइटनिंग क्रीम। और गाइस, ये ना 100% वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है,
पैराबिन फ्री है और ये मेड इन इंडिया है। मैं ना इसे फ्यू वीक से यूज कर रही हूँ और मुझे इसका काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने मिल रहा है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप मेरे अंडरआर्म्स को देख सकते हो, काफी मेरे स्किन के डार्क पैचेस जो है वो हल रिमूव हो चुके। अब हल्के से डार्क पैचेस है वो जल्द से जल्द मैं इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, जल्द से जल्द वो भी रिमूव हो जाएंगे, तो मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो गाइज इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज आपको सबसे पहले नमेया का अंडरआर्म कलर करेक्शन मास्क जो है वो लगाना है। तो गाइज आपको इसे स्मॉल अमाउंट में लेके आपको आपके अंडरआर्म पे लगाना है, ऐसा लगाना है जो थोड़ा सा थिक लेयर लगाओ। एंड आपको इसे 20 मिनट रखना है लगाने के बाद एंड वॉश आउट कर लेना है। इसके गुडनेस ये है कि इसके अंदर एलोवेरा एंड एक्टिवेटेड चारकोल है जो आपके अंडरआर्म के पोर्स को क्लियर कर देता है, एक्सफोलिएट कर देता है आपके अंडरआर्म के स्किन को और डेड सेल्स को भी रिपेयर करता है एंड वाइटर कर देता है आपके अंडरआर्म्स को। अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे नहाने से पहले या फिर सोने से पहले लगाओ, आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। तो गाइज आपको इसे 20 मिनट के लिए आपको इसे छोड़ देना है और इसके अंदर ना हल्के हल्के से एकदम हल्के हल्के से पार्टिकल्स भी है। और गाइज आपको ना इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ये ड्राई जब हो जाएगा 20 मिनट बाद तब आपको इसे नॉर्मल वाटर से है वॉश कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हो ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है 20 मिनट बाद, अब आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करके ड्राई कर लेना है। और गाइज ये मास्क आपको वीक में दो बार लगाना है, यानी कि ट्वाइस अ वीक लगाना है। तो गाइज मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है और अच्छे से आपको इसे ड्राई कर लेना है। अब आपको नमेया नेचुरल स्किन केयर का अंडरआर्म व्हाइटनिंग क्रीम जो है वो लगाना है। तो गाइज यहाँ पे आपको नमेया अंडरआर्म व्हाइटनिंग क्रीम ले लेनी है थोड़ी सी एंड आपको इसे आपके अंडरआर्म पे लगाना है अच्छे से, जब तक ये अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए तब तक आपको इसे लगाना है। और ये नमेया अंडरआर्म व्हाइटनिंग क्रीम जो है आपको दिन में दो बार लगाना है, यानी कि ट्वाइस अ डेली लगाना है। और गाइज इसके एक्सपीरियंस से ना मुझे पसीना बिल्कुल भी जल्दी आता नहीं है और पसीने की बदबू तो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी जरूर ट्राई करके देखना और आप इसका खुद रिजल्ट देख सकते हो। और गाइज एक बार जरूर ध्यान में रखना, नमेया अंडरआर्म कलर करेक्शन मास्क जो है वो आपको वीक में दो बार लगाना है, यानी कि हफ्ते में दो बार लगाना है। और ये नमेया अंडरआर्म व्हाइटनिंग क्रीम जो है वो आपको दिन में दो बार रखना है और इसे जरूर ट्राई करना गाइज, दूर नजरों के सामने रखना ताकि आप इसे भूले ना, ऐसा ना हो कि आप एक दिन लगाए एक दिन ना लगाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। रेगुलर बेसिस पे आपको इसे लगाना है, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिल जाएगा। और गाइज जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि इस पे मैंने ये लगा के दिखाया और इस पे नहीं लगाया है, तो आप खुद लाइव रिजल्ट देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा फर्क देखने मिला है। यहाँ का आप टोन देख सकते हो, यहाँ पे हल्का सा डार्कनेस है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने मिला है। तो गाइज मेरी तरफ से ये दोनों प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, अगर आपको इसे परचेस करना है तो इसकी प्रोडक्ट परचेस लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे जरूर परचेस करना। तो गाइज टू टाइप के ऑडियंस को मैंने अपना अपना एक अंदाज शेयर कर दिया, जैसे किसी को होम रेमेडी चाहिए तो मैंने होम रेमेडी भी शेयर कर दिए और बहुत से ऐसे हॉस्टल्स गर्ल्स एंड बॉयज है जिनको एक प्रोडक्ट चाहिए होता है कि जो कि एकदम नेचुरल हो, उससे कोई भी हार्म ना हो, केमिकल फ्री हो, ऐसा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है, तो उनके लिए भी मैंने एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिया है। तो गाइज देखो मैं आपको एक बात सच कहूंगी कि कोई भी होम रेमेडी होती है ना उसको ट्राई करते हो ना तो उसको उसका इफेक्ट आपको एकदम लॉन्ग टाइम तक आपको देखने मिलता है, पर अगर कोई प्रोडक्ट यूज करते हो ना तो उसका रिजल्ट आपको जल्द से जल्द आपको देखने मिलता है। तो गाइज मेरी तरफ से ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव्ड है, आप जाके इसको परचेस कर सकते हो, इसकी परचेस लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइज ये 2022 की आखिरी वीडियो है, मुझे नहीं पता ये 31st को आई है ये 1 जान को आएगी, पर ये आखिरी वीडियो है 2022 की। इस 2022 हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा यादगार रहेगा क्योंकि हमने 2022 में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने भी मेरे लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। पर गाइज हमेशा खुश रहना है और आने वाले नए साल के आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 में मेरा ड्रीम आप जरूर पूरा कर देना यार, बहुत जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो गेन कर दो यार, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 3 लाख हमारे बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो ताकि हम हमारी फैमिली को और भी ज्यादा बढ़ा सके।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, जितने भी लोग है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक बार अगर आपको अंडरआर्म्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है ना, तो आप एक बार इस प्रोडक्ट को जरूर परचेस करके देखना। आपको इसका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द से जल्द देखने मिलेगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगे होंगे तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना वीडियो पसंद आती है तो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे क्लिक करो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके यूट्यूब पेज पे आ जाए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शो एंड सब्सक्राइब। प्रोडक्ट परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नए साल के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी, अच्छे क्वालिटी के साथ लाऊंगी और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शो एंड सब्सक्राइब। तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस प्लीज इस आखिरी वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार जरूर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।